बटाला दे नजदीकी पिंड कोटला सिरफ च अज देर शाम एक परिवार विच चाचे ताए दे पुत भरावां दी मामूली तकरार ने खूनी जंग दा रूप धारण कर लिया। तकरार आपस विच मामूली बहसबाजी तो शुरू हुई है अते देखते ही देखते गोलियां चलन तक आ गईयां। लड़ाई च हुई फायरिंग दे चलदे दो भरा जशनप्रीत सिंह अते हरप्रीत सिंह गोलियां लगन नाल जख्मी हो गए। दोवां भरावां दे लत्तां च गोलियां लगियां दस्सियां जा रहियां हन, जबकि दोवां दा इलाज सिविल अस्पताल बटाला विच चल रहा है। उथे जख्मी नौजवान अते उन्हां दे परिवारक मैंबरां ने दस्सिया है कि उन्हां दी ना ही कोई आपस च पुरानी रंजिश है ते ना ही कोई किसे तरह दा झगड़ा, बल्कि ओ इकट्ठे गुरुद्वारा श्री गोइंदवाल साहिब तो वापस पिंड आए सन। पिंड परतदियां ही घर पहुंचण तो पहला राह च मामूली तकरार उन्हां दे विचकार हुई सी, पर बाद च घर पहुंच के दूजे धिर वालों उन्हां ते फायरिंग कर हमला कर दिता। फिलहाल पुलिस वालों इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उथे ही सिविल अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि दो नौजवानों नू जख्मी हालत विच अस्पताल विच लिया गया जिन्हों का इलाज चल रहा है। कलानौर तो पत्रकार लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट, KRT न्यूज नेटवर्क। ते मेरे चाचे दे मुंडे ने गोलियां मरवाईयां जान के अपने जीजे नू सद के, साडा झगड़ा कुछ नहीं आ। उहदे पापा जी गए ही अड्डे विच दवाई लैन, जिहड़ा साडे चाचे दा मुंडा उहदे पापा जी गए ही दवाई लैन। उह मगर गालां कढ के अपने पापा नू कहिंदा वी तूं ताया दे ते चाचा दे आखे क्यों लगदा है। ते मेरे पापा नहीं गए कम्म ते गए मेरे पापा नहीं, ते इसे गल्लों वह गाला कढ़दा मेरे पापा होणां नू। ते फिर मैं वो चपेड़ मारी जी, तो शामां आ के 8:15 बजे ना आ के तो अपने जीजे नू लै के गोलियां साढ़े मरवा दियां जी, गोलियां 20-25 चलाइया जी, 7-8 जने आ गए जी। बाकी पहचान च नहीं गई, एक मुंडा अमृतपाल सिंह जिहड़ा डेयरी वाले दा वो साढ़े पहचान च जी। हाँ जी, पहला नहीं कोई झगड़ा चलता। हाँ जी, वैसे गल वो पहला दुबई रहिंदा रहा मुंडा, हुण वो चाचे का मुंडा इत्थे आया वा। उहदी माँ पहला मर गई कुछ 1.5 साल हो गया, एक्सीडेंट हो गया ही, तो साढ़े हाथ वस नहीं है, अं बचा सकते नहीं। कहिंदा सी तुम मेरी माँ नहीं बचाया, इस गलों लड़ाई झगड़ा चलता जी। आउंदिया भाजी पहला साडा बूआ खड़काया, मम्मी ने पूछा भी तू कौन आ, वो कहिंदा मैं विक्की हाँ, कढो अपने मुंडे नू बाहर, तो मेरे भाई होनी आए हैं गोलियां मारन, कढो असीं गोलियां मार के जाना जी। तो आउंदिया गोलियां चला दी। देखो जी, साडा भतीजा लगता वा विक्रमजीत सिंह विक्की पिंड कोले सब दा, उहदा प्यो दा नाम जसवीर सिंह आ, जसवीर मेरा भरा वा छोटा, तो वह यह कहते साडा मुंडा भी तो भी ट्राई तो गए गुरुद्वारा साहब मिले, तो वह प्यो दवाई लैन जा रहा है मतलब झंडे के पुल से, तो वह कह रहा पाया भी तू चूड़ा लगे उन्हों का, तू उन्हों का कामकार करता कहना आप नहीं जा सकते, उन्होंने नहीं पता भी कहे काम जा रहा, वो अपने पैर खराब दवाई लैन जा रहा जी। तो इस गल तो गाला कर रहा पाया चाचे तया गंदियां गाला कर रहा। हाँ जी, भी उन्होंने पता नहीं भी के काम जा रहा, तो गाला कर रहा पा मेरा मुंडा मेला वेखण गया ही नाल, उन्हें कहा भी तू गाला क्यों करना वा, दा ना ला के गाला कढ, तो इस गल तो मतलब रौला पा रहा पाया मेरे मुंडे के थप्पड़ मारिया, वो इस गल तो मुड़के घर आ गया, तो मुड़के उन्हें कहा भी मुड़के चुप कोई गलबात नहीं हुई। फिर इन्हें फोन करता अपने जीजे को अमृतपाल सिंह को जो पिंड डेयरी वाले रहन तसके लागे पिंड है जी, फिर वो मुंडे लै के आया 5-7 नाल पिस्टल लै आया, उन्हें गोली चलाई छड़े माड़े 8 बजे ना पिंड आन के, तो अभी तो बड़े दौड़ भज के बचे हाँ जी। फिर अं साढ़े को खाली हाथ तुम्हें पता भी अं कह भी लड़ी करनी ही जो कोई डंडा छोटा फड़ लेंगे, अं भजे दौड़े लाला लाला की फड़ लो फड़ लो फड़ लो, फिर बड़े जोर ना भजाए आ, फिर भी उन्हें साढ़े गोलियां मार दियां वा। फिर जी कृपाना दर्द भी है गए जी, तो दो के पिस्टल ही उन्होंने को दोवें जन को, तो बड़े जोर ना उन्हें 25-30 गोलियां चलाइया, बड़े जोर ने भज के भाजी बचे बहुत ज़्यादा भाजी, वो सानू भी मारिया उन्हें मेरे या कैंकर से अगे लगी है लत्त से, तो जो अं भज के बचे हैं दौड़ भज के जरा, तो बाकी आ साडे मुंडे वजिया वा हरप्रीत सिंह जसप्रीत सिंह दे। साडे कोल दो जख्मी आए ने, एक दा नाम हरप्रीत सिंह दूसरा जशनप्रीत सिंह, ठीक है, दोनों ही वासी कोटला सरफ दे ने, तो दोनों ही उन्होंने फस्ट एड दे दी है, तो उन्होंने एडमिट सिविल हॉस्पिटल बटाला कर लिया है। पेशेंट स्टेबल ने,
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਟਾਲਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਝਗੜੇ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਜੇ ਜਸਟ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਕੋਟਲਾ ਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।